વાપીમાં વર્ષોથી ચોમાસામાં માર્ગો પર ખાડા પડવા માટે નેતાઓ વરસાદને વિલન વિચિતતા આવ્યા છે, પરંતુ આ વખતે નહીવત વરસાદમાં જ ડુંગરા કરવડનો માર્ગ બિસ્માર થઈ જતા અધિકારીઓ ને નેતાઓ ને કોન્ટ્રાક્ટરોનો ભ્રષ્ટાચાર ખુલ્લો પડ્યો છે। આ લોકોના પાપે વાપીમાં રોજના માર્ગ પર પેટ્રોલ ડીઝલ પરના ધુમાડાની સાથે સમયનો વેડફાળ થાય છે, જેના સાથે કમરના દુખાવા હાડકા ભાંગવા નફામાં મળી રહ્યા છે। વાપીમાં ચોમાસા દરમિયાન સરેરાશ 100થી વધુ ઇંચ વરસાદ વરસે છે। દર વર્ષે આતી માત્રામાં વરસાદમાં માર્ગોનું ધોવાણ થતું આવ્યું છે, એમાંય બે વર્ષથી સામાન્ય વરસાદમાં તો ગત સ્થિતિ કરતા વધુ બદતર બની રહી છે। અને એવા ખાડા માર્ગ પરથી પસાર થઈ એક કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા પહોંચેલા મંત્રી રમણ પાટકર અને ધારીય સભ્ય કનુ દેસાઈએ વચન આપ્યું હતું કે દર વર્ષે મુખ્ય માર્ગો પર ખાડા પડે છે તેવા માર્ગોને સિમેન્ટ ક્રોકિંગથી બનાવીને આ સમસ્યાનું કાયમે નિરાકરણ લાવવામાં આવશે। જો કે તે બાદ સિમેન્ટ ક્રોકિંગના માર્ગો તો બન્યા નહીં અને લોકોને આ વખતે ફરી નહીવત 40 વરસાદના જ મુખ્ય માર્ગો પર મસમોટા ખાડામાં પસાર થવાની અને કમરના દુખાવા નફામાં મેળવવાની નોબત આવી છે। જ્યારે નવાઈની વાત તો એ પણ આવી છે સામે કે જ્યારે રસ્તાઓ પર મસમોટા ખાડા પડી ગયા છે તો લોકો વાહન ચાલકો પરેશાન થઈ રહ્યા છે। જ્યારે નેતાઓ અને સરકારી બાબુઓ દર વર્ષે સિમેન્ટ ક્રોકિટના રોડ બનાવવાના થાલા વચનો આપી દર વર્ષે પ્રજાને છેતરી રહ્યા છે। हम साई आस्था से आते हैं। क्या नाम है? नाम वसीम है मेरा। आने जाने में रोज परेशानी होती है, रोज जाने में एक घंटा लग जाता है जाने में। ऑफिस में रोज ट्रैफिक रोज होती है, ऑफिस में जाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत परेशानी होती है। कितने समय से ये दिक्कत है? ये हर साल होता है। ये क्या चाहते हो? ये रोड का उपजा होना चाहिए, रोड बनना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर बहुत ही खराब है और एक कंडीशन पिछले 3-4 साल से है, क्या कहेंगे इसके लिए? ये कहने जैसा नहीं है। इस रोड पे एक बार आके जो देखे उसको जो तकलीफ होगी तब समझ में आएगा कि रोजाना इस रोड से आने जाने वाले लोग किस यातना से पसार होते हैं। और वापी और वलसाड़ को इतना विकसित कहा जाता है लेकिन किसी भी क्षेत्र के विकास की पहली जानकारी वहाँ की सड़कों से होती है और इसे नेशनल हाईवे कहा गया है। जब नेशनल हाईवे की यह हालत है कि कई बार हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा, टीवी मीडिया में देखा कि इस रोड को बहुत जल्दी बनाया जाएगा, कभी कहा जाता है सीमेंटेड बनाया जाएगा तो कभी डामरीकरण किया जाएगा, लेकिन पिछले कई साल से यही हाल है। रोजाना हजारों वाहन जाते हैं, हजारों लोग आते जाते हैं, कब कौन गिर जाएगा, हादसे का गंभीर शिकार हो जाएगा, कोई कहा नहीं जा सकता है। क्या चाहते हैं? चाहते तो यही हैं कि जल्द से जल्द इस सड़क को बनाए और लोगों को रोज। आपने कहाँ से आते हो? मैं मोटा कुंडा से आता हूँ और ये रोड पूरा मोटा कुंडा तक टूटा हुआ है। कितनी दिक्कत हो रही है? दिक्कत बोले तो बहुत दिक्कत हो रही है। अगर रात के टाइम आदमी जा रहा है, अगर संभल के नहीं जा रहा तो यहाँ पे एक्सीडेंट होने का ही खतरा है सबसे बड़ा। और इतने बड़े बड़े खड्डे हुए हैं, आदमी बाइक तो 4-5 की स्पीड में चलती है, पैदल उससे आदमी पैदल पहुँच जाएगा मोटा कुंडा, इतना दिक्कत है। कितने साल से ये तकलीफ है? ये हर साल बारिश में प्रॉब्लम आ रहा है, हर साल बारिश में। अभी ये लोग थूक लगा के काम करेंगे तो बारिश होएगा, वापस निकल जाएगा। मतलब तंत्र ही इसमें जो काम कर रहा है वही मतलब भ्रष्टाचार कर रहा है? पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है, खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी एक खड्डे में मिट्टी डालेंगे, मिट्टी थोड़ी टिकने वाली है बारिश में, जहाँ बारिश हुआ पूरा मिट्टी बाहर रोड के। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि रोड का काम परफेक्ट हो। आज ये कितने सालों से रोड पास हुआ है, इसका कोई डेवलप नहीं हुआ है। 2012 का पास हुआ है ना रोड, सरकार कुछ कर रही है? आँख बंद करके सोई है, इतने खड्डे में आदमी को पब्लिक, यहाँ लोग जॉब पे आ रहे हैं।